की जय। जगत पिता ब्रह्म देव की जय। देखिए सर, आप लोग यहाँ पुष्कर जिसके लिए आए हैं, समय निकाल के आए हैं, हरिद्वार से पैसा खर्च करके भी आए हैं और मन में एक भाव और उत्साह भी लेके आए हैं ब्रह्मा जी के लिए कि चलो पुष्कर, चलो पुष्कर, पुष्कर जी चलेंगे, क्या करेंगे, क्या देखेंगे। तो पुष्कर जी आप लोग जिसके लिए आए हैं, पुष्कर जी नाम किसी मंदिर मूर्ति टेम्पल का नहीं है, पुष्कर जी नाम है इस पवित्र सरोवर का। जैसे आपके गंगा हरिद्वार का जल है, उसी प्रकार ये पुष्कर जी ब्रह्मा जी के इस पवित्र तीर्थ का नाम, और इसी पवित्र तीर्थ के पीछे इस टाउन का नाम पुष्कर है, और इसी पवित्र तीर्थ के पीछे ब्रह्मा जी के मंदिर का नाम है, जो संसार का एकमात्र मंदिर यहाँ पुष्कर जी में बना है। ये पुष्कर जी जल सरोवर एक तीर्थ है, आदि अनादि काल का, सतयुग का, ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी ने इस तीर्थ को सिंपली समझने के लिए दो शब्दों से बनाया, पुष्प प्लस कर, दोनों को संधि किया तो एक संस्कृत का शब्द बना पुष्कर, जो इस टाउन का नाम है। और इस शब्द को अगर व्याख्या किया, इसका विच्छेद किया, तो इसके दो शब्द बने, पुष्प प्लस कर। पुष्प नाम फूल और कर नाम को संस्कृत में बोलते हैं हाथ। हाथ से मतलब होता है ब्रह्मा जी का हाथ। ब्रह्मा जी ने ब्रह्म लोक से एक कमल का पुष्प गिराया, जो जगत पिता ब्रह्मा जी ने 60,000 वर्ष तक तपस्या करके भगवान विष्णु जी की नाभि से प्राप्त किया था। वो कमल का पुष्प भगवान ब्रह्मा जी ब्रह्म लोक से धरती पे छोड़ते हैं कि ये धरती पे जिस पवित्र स्थान पे जाके गिरेगा, जहाँ मैंने सृष्टि का निर्माण किया, उस सृष्टि के कल्याण के लिए मेरा एक तीर्थ बने। वो कमल का पुष्प आके सरोवर के बीच में वेदी बना है, उस स्थल पे आके गिरार गिरने से 7 पाताल को छेद होके जल निकला, जिसे आदि अनादि काल से उसका तीर्थ के नाम से। 3 बड़े देवता है, कौन कौन से? ब्रह्मा, विष्णु और शिव। तीनों के 3 धाम है, शिव का काशी में, विष्णु जी का गया में, और ब्रह्मा जी का धाम पुष्कर। ब्रह्मा जी ने यहाँ 5 दिन बैठ के जोड़े से इस पवित्र सरोवर की प्रतिष्ठा का यज्ञ किया। इसका शुभ मुहूर्त निकाला कार्तिक शुद्धि एकादशी से पूर्णिमा तक, देव उठनी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक 5 दिन का ब्रह्मा जी ने यहाँ जोड़े से बैठ के यज्ञ किया। और वही पुष्कर का वार्षिक मेला होता है, जिसे कार्तिक का मेला बोलते हैं, पुष्कर फेस्टिवल के नाम से। दूसरा, ये ब्रह्मा जी की फर्स्ट वाइफ है सावित्री माता, जो ब्रह्मा जी से रूठ के पहाड़ पे बैठी है। सरस्वती सावित्री, सावित्री जो ब्रह्मा जी से रूठ के और पहाड़ पे बैठी है, जहाँ रोपवे लगा हुआ है। क्यों नाराज है कि ब्रह्मा जी ने जब इस यज्ञ को किया तो इस सावित्री को आने में थोड़ा देर हो गया, और यज्ञ का शुभ मुहूर्त निकलता जा रहा था। ब्रह्मा जी चिंता में थे, तो सारे संसार के देवता ऋषि मुनियों के कहने से ब्रह्मा जी ने दूसरा विवाह किया गायत्री माता से, इस यज्ञ को संपन्न करने के लिए। तो ये सावित्री पीछे से आई थी, नाराज हुए और ब्रह्मा जी को 2 श्राप दे के और रूठ के ब्रह्मा जी से पहाड़ पे जाके बैठ गए। ब्रह्मा जी को पहला श्राप दिया, वर्ल्ड में एक ही मंदिर रहेगा, लेकिन मंदिर का गृहस्थी लोग पूजा नहीं करेंगे, जिनका आज इस मृत्यु लोक में अपमान हुआ। क्यों? कि ये अपमान सावित्री का नहीं हुआ, ये संसार की समस्त उन सुहागन माता बहनों का हुआ, जो मुझे एवरी ईयर वर्ड सावित्री के व्रत के रूप में अपने पति की लंबी आयु के लिए और अपने अखंड सुहाग की रक्षा के लिए मेरा वर्ड सावित्री व्रत करती है। इसीलिए संसार के गृहस्थी लोग ब्रह्मा जी का पूजा नहीं करते हैं, ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं बनाते हैं, घर परिवार में मूर्ति नहीं लगाते। दूसरा श्राप दिया कि जो भी गृहस्थी लोग आएगा, अब आपका पूजा नहीं करेगा मेरे श्राप की वजह से, क्योंकि आपने धर्मपत्नी के होते हुए दूसरा स्त्री से विवाह करके और इस संसार के गृहस्थी लोगों के सामने मेरा अपमान किया, जो संसार की गृहस्थी समाज का हुआ। इसीलिए मैं अब आपको श्राप देती हूँ कि अब संसार में आप पूजनीय नहीं रहेंगे, आपका जल सरोवर धाम पूजनीय रहेगा। इसीलिए संसार का जो भी गृहस्थी आता है, अमीर गरीब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, इस रंग राजा रंग, इस जल सरोवर को जगत पिता ब्रह्मा जी के नाम से। Bye.
सनातन